सुबह सुबह तुम्हारा क्या काम है? ये देखो तुम्हारी दीदा जा रही स्कूल, तुम्हें जाना है क्या स्कूल? रुको आई खाना लाती है। भूख लगी होगी। हाँ भूख लगी है इसलिए आए। आई खाना ला रही है, रुको लगाओ लगाओ ना। लेकिन धोओगे कहाँ पे बाद में? हाँ नहीं नहीं मम्मा इसके कान तक उधर कर दो। नहीं वो अपने आप से कर देगा। चलो आ गई तुम्हारे स्कूल की बस। सुनती नहीं है पागल लड़की। एक आलू तुम्हारा क्या है? खाना चाहिए ना? आ जाओ अंदर। मम्मी ये आई आ रही है खाना लेने लेके। इधर आजा बेटा, आजा अंदर आजा, आजा बैठ इधर, नीचे बैठ नीचे बैठ। बेड के नीचे नीचे बैठ के खाना। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? तो मैं एकदम बढ़िया। आज है चतुर्थी, तो आज है मेरा फास्ट और अभी करनी है भगवान की पूजा। तो चलिए पहले मैं पूजा करके लेती हूँ और आज जाएंगे हम गणपति मंदिर शाम को। वहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह सब होता है, आरती होती है, तो शाम पे जाके दर्शन करके आएंगे गणपति जी के। और अभी मैं घर की पूजा कर लेती हूँ और आज तो नाश्ता वगैरह कुछ नहीं रहेगा, तो कब्बर दूधी पीऊँगी और देखती हूँ आगे का काम। आज ब्लाउज सिलना है, मुझे जाना है सैटरडे को कहीं बाहर, वो भी आपके लिए सरप्राइज रहेगा। सैटरडे को मैं मम्मी पापा और गुंडू हम सब लोग जा रहे बाहर ताई। तो चलिए अभी मैं पूजा करके लेती हूँ, बहुत बातें हो गई। एक बार बोलने के लिए स्टार्ट करती हूँ तो बंद नहीं होती। चलो पूजा करके लेते हैं। 5 minutes later यहाँ पे मैं लेके आई लहसुन प्याज और अभी जा रही हूँ मम्मी के पास। हे गाइस मैं खा रही हूँ यहाँ पे पपाया। योगी को मैंने बोला खाओ तो योगी नहीं खा रहा है, तो मैं ही खा लेती हूँ। चलो 2 hours later देखो गाइस ये स्कूल से आई है, कट्टी लेके आई है। नहीं बोलना, नहीं मत बोलो, मैंने कब बोला कि तुम बोलो। चलो पापा सो गए के देखते हो, रुको मुझे तो नहीं लग रहा, ऐसे लगता है अभी मोबाइल रखा है और सोए। काली वाली ना? कौन काली? ए काली कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? स्कूल गई थी। क्यों गई थी? आज स्कूल नहीं जाओ। नहीं जाओ। फिर मैं क्या करूँ घर पे बैठ के? वो मंदिर के पिल्लू संभालो। नहीं अभी छोटे हो, छोटे बच्चे को मम्मा चाहिए होती है, मम्मा से दूर नहीं करते छोटे बच्चे को अभी नहीं। चलो कपड़े चेंज करो गुंडू, गंदे कपड़े तुम्हारे। बाल मैंने आज ऊपर बांध दिए, इतनी गर्मी है पूछो मत, हवा चल रही है लेकिन गर्मी बहुत है और पसीना पसीना हो गया मैं। ये मेरा पूरा मेकअप उतर गया, मेकअप मतलब मैंने पाउडर क्रीम लगाई थी वो सब उतर गया। गाइस मैं क्या बता रही थी, हाँ आज सुबह से मैं बहुत टेंशन में थी, कल रात में भी थी। रेशन कार्ड का मेरा काम नहीं हो रहा, कब होगा पता नहीं। मतलब मेरा रेशन कार्ड यहाँ पे बन रहा है लेकिन अभी जो आया है ना न्यू कि रेशन कार्ड ऑनलाइन करना पड़ता है, तो ऑनलाइन मेरा ऑलरेडी नाम दिख रहा है वहाँ पे मेरे मायके में, तो नाम कौन कट करके देगा वो नहीं पता। तो उसी टेंशन में मेरा सुबह से, क्योंकि वो रेशन कार्ड आरटी के एडमिशन के लिए लगता है अभी, गुंडी का गुंडू का फर्स्ट का आरटी का एडमिशन करना है तो उसके लिए रेशन कार्ड चाहिए। क्या करूँ क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या कर सकती हूँ मैं। चलो मैं अभी मम्मी के पास जाती हूँ, अकेली बैठूँगी तो दिमाग मेरा ख़राब हो जाएगा। मम्मी के पास जाऊँगी थोड़ा सा ब्लाउज सिलती हूँ, आपको पता नहीं होगा मुझे ब्लाउज सिलना भी आता है। चलो
गाइस अभी ये खाना बनाने का टाइम, नीचे से आ गई ऊपर और खाना बनाती हूँ। मैं भूल ही गई कि खाना बनाना है योगी के लिए। तो अभी 3 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। चलो फटाफट खाना बनाते हैं। आज बनाऊंगी मैं अक्खा मसूर, ये देखो अक्खा मसूर और चावल और चपाती। चलो लेट्स स्टार्ट। खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया है तो बताती हूँ आपको क्या बनाए। देखो यहाँ पे बन गई है सब्जी और यहाँ पे बन गई है रोटी और यहाँ पे नहीं, यहाँ कुकर में लगाए हैं मैंने राइस। तो होने के बाद टिफ़िन पैक करूँगी। टिफ़िन पहले अच्छे से पोंछ के लेती हूँ और टिफ़िन पैक करती हूँ। सब्ज़ी थोड़ी सी ठंडे होने देती हूँ। और आज मेरा फास्ट है तो मैंने टेस्ट करके नहीं देखी, पता नहीं है कैसी बनी है, लेकिन चलो अभी जैसी बनी है वैसे ही दे देती हूँ। और आप देख सकते हो मेरी हालत क्या हो गई है। ये आज मैंने बाल धोए इसलिए वो ऊपर ऊपर आ रहे और ऊपर से गर्मी बहुत है इसलिए मैंने बाल ऊपर टांग दिए, तो अच्छे नहीं दिख रहे। आई नो बट क्या कर सकते हैं, गर्मी के टाइम पे मैं बाल नीचे नहीं छोड़ सकती, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो चलो अभी मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ सब्ज़ी थोड़ी सी ठंडी करके। गाइस यहाँ पे योगी का टिफ़िन रेडी हो गया, सब्जी राइस चपाती और यहाँ पे मैंने बेदाने दिए। पापा के टिफिन में से खाने तुमको है ना। तुम क्या कर रहे हो? डांस। डांस मत करो, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाओ। डांस का मतलब नहीं हुआ उसका मतलब हुआ ऑफिस जा रहा हूँ। मम्मा को समझ में नहीं आता। कौन से टोन में बोला पापा फिर? डांस के। इस उल्टा हुआ ये तो सीधे के उल्टा है ना। मैम को बता दो मैं लेने के लिए आती हूँ करके। नहीं मैं मैम को बता दूँ। नहीं मैं एक बार बता देती। हे गाइस मैं हो गई हूँ रेडी अभी बाहर जाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, तो मैंने सुबह भी बताया था कि आज चतुर्थी है तो गणपति मंदिर जाना है हमें। तो चलिए अभी गणपति मंदिर निकलते हैं। मैं जा रही हूँ, मेरे साथ मम्मी आ रही है और हम दोनों ही जा रहे हैं। गुनू को ट्यूशन भेज दिया तो हमारे साथ ही नहीं है। तो चलिए मैं अभी आ गए हम मंदिर में जाके, गणपति मंदिर दर्शन करके आए। वहाँ पे भजन चल रहा था तो मैंने वीडियो नहीं निकाला और अभी घर पे पूजा करती हूँ। पहले बाल बांध देती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, ऊपर से बाल मैंने खुले छोड़े, लाइट नहीं है। एक्चुअली सोलर पे ये सब चालू है, लाइट गई है 4:30 बजे से, तो सोलर पे ऑन है सब। सोलर कितनी देर चलेगा पता नहीं क्योंकि मम्मी ने सुबह भी ऑन किया था। लाइट आज बहुत जा रही, देखते हैं। चलो पहले बाल ये बांध देती हूँ। गाइस अभी मेरा फास्ट तोड़ रही हूँ, सब्जी है राइस है रोटी है। चलो फटाफट खाना। ये देखो भूख लगी है यार, बहुत भूख लगी है, सही नहीं हो रहा है। चलो पहले खाना खाती हूँ। hey गाइस ये देखो बारिश, क्या मेरा फ्लिप करके दिखाते हैं बारिश की कितनी आ रही है। बारिश की आने से अंधेरा है, इतना नहीं दिखेगा जितना दिख रहा है उतना दिखा रहे। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है। मुझे पैसे गुल्लक के दे के क्या करोगी? गुल्लक तेरे लेके मैं क्या करूँ और तुम्हारे पैसे लेके मैं क्या करूँ? गुल्लक तो तुम्हारी है ना, फिर मैं लेके क्या करूँ? मम्मा तुम्हारे को एक भी चीज समझ नहीं। क्या समझ में आना चाहिए गुंडू? मम्मा अगर मेरी गुल्लक फोड़े
तुम्हारे को पूरे पसंद होंगे। और तो तुम कुछ उससे खरीदोगी नहीं ना? नहीं, खरीदो मेरे पैसों से। क्या खरीदो? कुछ भी खरीदो। क्या? जैसे कि कंपास, जैसे कि कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कान की रिंग लेंगे सोने की। इतने पैसे में नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? छोटी सी चुनूंगी। हाँ, छोटी सी, उतनी आती है, इतना भी नहीं है तुम्हारी गुल्लक में। एक एक दो दो रुपए डाले तुमने। हे गाइस, ये देखो गुंडू क्या बोल रही थी, उसके गुल्लक में से पैसे निकाले। और क्या लेना है गुल्लक के पैसे निकाल के? कंपास लेना है। ये ऐसी लड़की है, देखो। नहीं, मेरे को कंपास चाहिए। एक है ना बेटा, अभी इंफोसिस में मिला है वो। छोटे लोगों का कंपास नहीं होता है, छोटे लोगों का पाउच होता है। छोटे लोगों का पाउच नहीं, कंपास भी होता है। किधर देखा तुमने? कनक के पास भी कंपास है। सबके पास रहेगा तो हमारे पास रहना ही चाहिए, ऐसा नहीं रहता गुंडू। मेरे को चाहिए कंपास, मेरे को चाहिए कंपास। इनाया के भी पास है। इनाया कब आई थी स्कूल तुम्हारे? आज आई थी ना। इनाया कौन है अभी? ये मेरी फ्रेंड जो रोज स्कूल आती है। पागल के जैसा कर मत करो यार, देखती हूँ पापा से बात करके देखती हूँ। जो चीज दूसरों के पास है वही अपने पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं रहता है गुंडू। ठीक है, अगले साल लेके देती हूँ। हे गाइस, अब इस ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करेंगे, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बहुत सारा प्यार दे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।